फिल्म स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक बच्चा सपने में पेशाब कर देता है चिन्ना इतना चलाक है वो देखता है कि पेशाब बहते हुए उसकी माँ की तरफ़ जा रहा है वो अपना पैंट उतार के उसे पोछ के और धीरे से प्रेशर कुकर में रख देता है कि किसी को पता ना चले रात को किसी को पता नहीं चलता वो प्रेशर कुकर में छुपा देता है सुबह उसकी माँ उठती है खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर में देखती है तो एक कपड़ा पड़ा होता है वो कपड़ा निकालती है सूंघती है वो समझ जाती है कि चिन्ना ने पिसाब कर किस में छुपा दिया वो बाहर आती है उसे डांटने के लिए और तब तक चिन्ना भाग जाता है ये कहानी है दो भाइयों के ऊपर में जिनका बाप जो है वो जेल में है और माँ जो है वो रोज़ दिहाड़ी करके छोटा मोटा काम करके पैसा कमाती है और परिवार पालती है घर पर एक दाथी है और ये बच्चे रोज़ सुबह उठ के रेलवे के पटरियों में जाते हैं वहाँ से जो कोयला गिरा होता है पटरियों के साइड में वो उठाते हैं और वो ले जा बेचते हैं वो बेचने के बाद जो इन्हें पैसा मिलता है वो आके अपने माँ को देते हैं और इनका परिवार ऐसे चलता है और इन बच्चों को एक चीज़ का बहुत शौक होता है ये रोज़ सुबह जाके पेड़ के ऊपर चढ़ के वहाँ से अंडे निकालते हैं और अंडा निकाल के ये दोनों भाई खाते हैं इन्हें सबसे स्वादिष्ट यही लगता है क्योंकि ये गरीब होते हैं कुछ खरीद नहीं सकते तो इनको इसी में खुशी मिलती है जो प्रोटीन इन्हें चाहिए होता है वो ये अंडा से लेते हैं फिर एक दिन ये देखते हैं कि एक पेड़ काट दिया जाता है जहाँ से ये अंडा लेते थे वो पेड़ को नीचे गिरा दिया जाता है और वहाँ पे इन्हें पता लगता है कि ये जो ज़मीन थी ये कोई ख़रीद लिया और यहाँ पे दुकान बनेगी यह देख के बच्चे दोनों बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं फिर एक दिन वो दिख दिखाते हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है वहाँ पे पिज़्ज़ा हट बन गया है वो पिज़्ज़ा हट को देखते हैं कि कितने बलून वलून लगा के इतना शहरत के साथ में दुकान का उद्घाटन करते हैं मीडिया आती है वहाँ पे एक सेलिब्रिटी भी आता है उसके पिज़्ज़ा हट के उद्घाटन के लिए ये बच्चे उन्हें देख के इतना खुश हो जाते हैं ये भूल जाते हैं कि वो पेड़ से अंडा खाते थे उसके बाद वो उस सेलिब्रिटी को खाते हुए देखते हैं इन चीज़ों से ये इतने खुश होते हैं कि ये अपना जो दर्द था कि अंडा कहाँ से खाएंगे वो भूल जाते हैं उसके बाद एक दिन ये टीवी पे देखते हैं पिज़्ज़ा हट कर बच्चा कहता है अपनी माँ से कि मुझे ये खाना है तो उसकी माँ कहती है कि सस्ते से सस्ता पिज़्ज़ा भी कम से कम पाँच हजार का आएगा इसीलिए वो दोनों निराश होकर वहाँ से निकल जाते हैं घर से जब वो गली में जाते हैं तब एक पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी रास्ता भूल जाता है वो आता है इनसे पूछता है कि मुझे रास्ता बताओ वो कहते हैं कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूँगा पर मुझे पहले पिज़्ज़ा दिखाओ कैसा आता है उस पिज़्ज़ा दिखाता है कि इन दोनों के बीच में डील हो जाती है फिर वो पिज़्ज़ा दिखाता है फिर बच्चा पिज़्ज़ा देख के इतना मोहित हो जाता है दोनों खो जाते हैं ये देख के पिज़्ज़ा को इतना डर जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है उसके बाद एक पेपर छोड़ देता है पेपर छोड़ने के बाद में उसमें फ़ोटो बनाता है पिज़्ज़ा का जो दोनों बच्चे देखते हैं वो पेपर ले आके वो अपनी दादी को दिखाते हैं उसकी दादी कहती है कि ये तो मैं बना सकती हूँ तुम सामान ले आओ दुकान से वो दुकान जाते हैं सामान ले आते हैं दादी वो सब्ज़ी कट करती है उसके बाद में वो बनाने की कोशिश करती है वो पिज़्ज़ा बना के इन दोनों को देती है ये दोनों इतने खुश होते हैं कि जैसा फ़ोटो में है वैसा ही बना दिया दादी ने ये दोनों खाते हैं पर वो उसका टेस्ट जो है बहुत ही अलग होता है इन्हें पसंद नहीं आता इन्हें लगता है कि इन्हें मूर्ख बना दिया फिर ये वहाँ से चले जाते हैं फिर ये पटरीयों में आते हैं पटरीयों से कोयला उठाते हैं कोयला उठा के ये बेचते हैं जाके ये सोचते हैं कि इन्हें कोयला और चाहिए ये और पैसे बचा सके और उसके बाद में ये पिज्ज़ा खा सके ये सारी बात ये एक अंकल को बताते हैं जो पटरीयों में काम करता होता है वो अंकल इन लोग की बात सुनते हैं क्योंकि ये बच्चे हैं और बहुत ही भोले होते हैं तो उनका बात सुनता है और उसके बाद में वो अंकल भी इनका साथ देने के लिए तैयार होता है वो इन्हें अंदर लेके जाता है जहाँ पे कोयला बहुत पड़ा होता है वो कहता है कि यहाँ से कोयला तुम ले लो उसके बाद में ये कोयला जाके बेच देना जो भी पैसा मिलेगा उससे तुम अपना जो तुम्हारा दिल है पिज्ज़ा खाने का वो खा लेना ये देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं वो कोयला जेब में बोरे में भर के लेके जाते हैं वहाँ बेच के और उनके बाद उन्हें पैसा मिलता है वो पैसा लेके पिज़्ज़ा हट की दुकान की तरफ जाते हैं खाने के लिए पर उन वॉचमैन उन्हें गेट में ही रोक देता है अंदर नहीं जाने देता वो कहता है कि गरीब और पिज़्ज़ा खाना है यहाँ से चले जाओ ये मैनेजर वहाँ से देख रहा होता है दुकान से पर वो आता नहीं उसके बाद बच्चे वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो साफ़ सुथरे नहीं होते उनके कपड़े गंदे होते हैं तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता तो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद वो लोग आके वो अंकल से बात करते हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया गया तो अंकल कहता है कि ये दुनिया है जो साफ सुथरा दिखता है उसे ही अंदर आने देते हैं दुकानों में बड़ी बड़ी दुकानों में लोग उतर ही सलाम करते हैं ऐसी दुनिया में हम रहते हैं अंदर में अंदर से आदमी कैसा है ये नहीं देखते पर बाहर से साफ़ सुथरा होना चाहिए ये देख के बच्चे काफ़ी निराश हो जाते हैं फिर वो लोग सोचते हैं कि वो लोग ट्रेन से मोबाइल फ़ोन चोरी करेंगे उसे बेच के कपड़ा खरीदेंगे उसके बाद पिज़्ज़ा खाएंगे पर ये काम वो नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं स्लम के वो ऐसे ही करते हैं मोबाइल चोरी करके बेच के अपना जीवन पालते हैं तो ये सोचते हैं ये भी ऐसा करेंगे पर नहीं कर पाते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं कि जो शराबी होते हैं उन्हें घर छोड़ने के लिए अपने गाड़ी में बैठा के लेके जाने का सर्विस स्टार्ट करते हैं पर वो गाड़ी प्लास्टिक की होती है तो वो टूट जाती है फिर ये लोग क्या करते हैं जो गटर का ढक्कन होता है वो चोरी करने की कोशिश करते हैं कि वो बेच के जो पैसा मिलेगा उससे वो कपड़े खरीद लेंगे तो वो इतना भारी होता है कि वो उठा नहीं सकते तो वो भाग जाते हैं फिर एक दिन सुबह वो ब्रश करते हैं तो सोचते हैं क्यों ना कुत्ता बेच के जो पैसा मिलेगा वो करते हैं तो वो एक ले के कुत्ता ले के, तो जाता है और एक रिक्शा वाले को बोलता है वो कहता है कितने का कह? है ये कहते हैं पंद्रह हज़ार का वो कहता है पंद्रह हज़ार का ये कुत्ता वो उन्हें भगा देता है फिर वो उनका ये भी काम नहीं होता फिर वो क्या करते हैं दीवारों में पेंट मारना पोस्टर लगाना लोगों को पानी की सर्विस देना उनके घर पे पानी पहुंचाना ये सब काम करते हैं कि और ज़्यादा दिहाड़ी करते हैं कि और पैसा कमा सके फिर उन्हें ये काम का पैसा मिलता है उसके बाद ये बहुत खुश होते हैं फिर ये मार्केट जाते हैं कि वहाँ से शॉपिंग करेंगे कपड़े लेंगे पर जब मार्केट जाते हैं तो इतनी बड़ी मार्केट देख के ये हैरान हो जाते हैं कहते हैं कि यहाँ भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि वो साफ़ सुथरे नहीं हैं और वो मार्केट बहुत बड़ा है उसके बाद वो वापस आते हैं बैठे होते हैं तभी एक दुकान से दो बच्चे और एक उनका पिता निकलता है उनका पिता कुछ भूल जाता है दुकान के अंदर तो वो लेने के लिए वापस जाता है उसके बाद ये बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं कि वो जो दोनों बच्चे आए होते हैं दुकान से उनसे बात करके उनके ही कपड़े खरीद लेता है उन्हें पैसे देता है और उनके जो कपड़े होते हैं वो खरीद लेता है ये कपड़े पहन के नए कपड़े पहन के वापस एकदम आते हैं और फिर पिज़्ज़ा हट में जाने लगते हैं खाने के लिए इतने खुश होते हैं कि आज हम खा लेंगे आज हमें अंदर जाने दे दिया जाएगा पर जो वॉचमैन होता है उन्हें फिर रोक लेता है क्योंकि वो खाली पैर होते हैं उनके पैरों में जूते नहीं होते तो ये देख के मैनेजर देख रहा होता है वो फिर इस बार बाहर आता है बाहर आके वो उस लड़के को थप्पड़ लगा देता है थप्पड़ जो उसके गाल पे पड़ा होता है वो उसके जमीर को तोड़ देता है उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं उसे एहसास होता है कि वो कितना गरीब है अब वो ये काम नहीं कर सकता जो वो खाना चाहता है हालांकि वो पैसे दे के खाना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं खा सकता ये चीज़ उसे बहुत हट करती है वो अंदर से टूट जाता है फिर दोनों भाई निराश हो के वहाँ से चले जाते हैं फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसी सलाम में दो दोस्त होते हैं जिन्हें एक वीडियो दिखता है जिस वीडियो वही वीडियो होता है जिसमें वो बच्चे को थप्पड़ मारा होता है पिज़्ज़ा हट हाँ वाले ने वो ये वीडियो देख के सोचते हैं क्यों ना पैसा कमाया जाए वही वीडियो ले जाके जाके पिज़्ज़ा हट हाँ का जो मालिक होता है उसे दिखाता है पिज़्ज़ा हट हाँ का मालिक को पता है अगर ये वीडियो बाहर आ गया तो मीडिया में न्यूज़ में सब तरफ यही होगा कि बच्चे के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके बाद उसकी दुकान काफ़ी डाउन हो जाएगी हो सकता है बंद भी हो जाए तो वो लोग डील करने के लिए हाँ हाँ कर देते हैं वो सलम के दोनों दोस्त कॉल करते हैं पिज़्ज़ा मालिक को और कहते हैं कि हमें पाँच चाहिए तो पाँच की जगह पिज़्ज़ा मालिक को लगता है कि वो पाँच लाख की बात कर रहे हैं जबकि वो पाँच हज़ार की बात कर रहे होते हैं वो कहता है ठीक है पाँच लाख दे दूँगा तो उसके बाद वो जो दोस्त होता है वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने ही दोस्त को कह दूँ कि पचास हज़ार में दे दिया वो अपने दोस्त को कहता है कि मैंने पचास हज़ार में हाँ कह दिया उसके बाद वो उसका दोस्त पैसे लेने जाता है पिज़्ज़ा हट के वहाँ दुकान में तो उसका मालिक कहता है कि टी में तो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि वीडियो तुमने दे दिया मीडिया को उसने कहा हाँ मैंने दे दिया मुझे सत्तर हज़ार दे रहे थे उन लोग अच्छा डील दे रहे थे तो मैंने दे दिया जबकि पिज़्ज़ा वाला पचास हज़ार दे रहा था जबकि उसके दोस्त उसे सच नहीं बता था कि वो पाँच लाख के लिए हाँ हो गया था उसके बाद न्यूज़ चैनल में हर जगह यही न्यूज़ होते हैं कि बच्चे को मारा जा रहा है अत्याचार हो रहा है ये पिज़्ज़ा वाले उन्हें पिज़्ज़ा नहीं देते बहुत सारी न्यूज़ बना के वो दिखाते हैं उसके बाद में वो न्यूज़ जो होता है वो बच्चे भी देख लेते हैं वो इतना डर जाते हैं उन्हें पता नहीं होता क्या होने वाला वो वहाँ से भाग जाते हैं उसकी माँ आती है वो सलम के दोनों दोस्तों के साथ में और आके देखती है तो बच्च उनका जो बच्चा है वो घर पे नहीं है तो में बच्चों को खोजती है फिर वो देखती है कि एक जगह दोनों बैठे हुए उसे आवाज़ देती है तो वो पहले तो भागने लगते हैं फिर अपने माँ के माँ को देख के अपने माँ के पास आ जाते हैं आके गले लगा लेते हैं उसके बाद पुलिस कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वो पिज़्ज़ा वाले मालिक बुला रहे हैं वो कार में अपने साथ पुलिस ले के जाते हैं और उसे पिज़्ज़ा की दुकान में पहुंचाते हैं पिज़्ज़ा की दुकान में वही माहौल होता है जो पिज़्ज़ा दुकान खुलने का टाइम में होता है बलून लगे होते हैं पूरे लोग होते हैं मीडिया होती है रेड कारपेट बिछा होता है वो देख के इतना खुश हो जाते हैं उसके बाद वो नंगे पैर ही उसी कारपेट में दुकान में जाते हैं जिस दुकान में उसे पहले घुसने नहीं दिया जा रहा था उसके बाद वो दुकान के अंदर जाते हैं पिज़्ज़ा मालिक उनके साथ बात करता है कहता है जब भी तुम्हारा दिल हो तुम लोग यहाँ आके पिज़्ज़ा खा सकते हैं फ्री में तुमसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा उसके बाद में वो उसे पिज़्ज़ा खिलाते हैं वो पिज़्ज़ा खाते हैं पिज़्ज़ा खाने के बाद में उन्हें वो स्वाद नहीं मिलता है। जो स्वाद उन्हें अपने दादी के पिज़्ज़ा से मिला था जो दादी ने बना के पिज़्ज़ा दिया था वो बहुत स्वाद था इस पिज़्ज़ा से फिर वो सोचते हैं कि ये पिज़्ज़ा का तो वो स्वाद नहीं है उसके बाद वो अपने दादी को याद करते हैं यहीं पे पिक्चर एंड हो जाती है पर ये हमें दिखाता है कि हार नहीं माननी चाहिए ये जो चाहते थे एंड में इन्होंने हासिल कर लिया ये बहुत ही इमोशनल फिल्म है आप जो फिल्म देखोगे कितनी जगह में आपके आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे आपके आंसू आने लगेंगे ये फिल्म बहुत ही अच्छी है आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को धन्यवाद दोस्तों